नमस्कार दोस्तों, मैं सत्या भंजा, मैं एक मालिका के रिसर्चर हूँ। हमारा एक चैनल है सत्या भंजा के नाम से। इस चैनल पे हम पंचसखा युग यानी पंचसखा, संत अच्युतानंद दास, संत जगन्नाथ दास, संत जसवंत दास, संत बलराम दास और संत शिशु अनंत दास, तो ये जो पंचसखाएँ हैं उन्होंने भविष्य के ऊपर कई सारे लाखों की संख्या में किताब लिखे हैं। हम इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, जबकि उनके बहुत सारे किताब, बहुत सारे ग्रंथ, बहुत सारे पोथियाँ वो बिल्कुल उड़िया भाषा में लिखी गई है। तो हम लगभग कई सारे वीडियो बना चुके हैं। हमारा मैक्सिमम वीडियो जो है वो उड़िया भाषा में ही होता है। आप सब उस वीडियो को देखते हैं, समझ में आता नहीं है लेकिन आप देखते हैं। वीडियो चाहे कोई भी हो, कमेंट बॉक्स में आप लिखते हैं कि ये सब वीडियो हमें हिंदी में भी बताइए। क्या खाली उड़ीसा के लोग सुनेंगे, हम लोग नहीं सुन पाएंगे। तो इंतज़ार की पल हुई खत्म, हम लोग खास आपके लिए लेके आ रहे हैं हिंदी भाषा में मालिका कथाएं। तो मेरे साथ जुड़े हैं मालिका रिसर्चर और जगन्नाथ कथा संस्कृति प्रचारक श्री बाबा दिवाकर दास महाराज। बाबा जी आपका स्वागत करते हैं। जय जगन्नाथ। तो बाबा जी, हमारे जो हिंदी भाषा के जो दर्शक हैं उनका एक ही रिक्वेस्ट था बार बार कि मालिका में जो भी लिखा गया है भविष्यवाणियाँ वो हमें हिंदी भाषा में समझाइए। तो आज थोड़ा कुछ बताइए हमारे दर्शकों के लिए। सभी भक्तों को प्रणाम। तो आप सभी हिंदी में जानना चाहते हैं क्या लिखा है मालिका में, जो हमारे पंच सखा है उड़ीसा के है, वो आगत भविष्यत को अपने दिव्य दृष्टि से सभी जान चुके होते। वो पंच सखा जो पोथियाँ लिखे हैं उसके बारे में हम बताएंगे आपको। क्या लिखा है वो तो उड़िया में सब है, आपको हम हिंदी में बताएंगे। जो महापुरुष उड़ीसा के सभी जिलों में अपने अपने स्थान बनाए थे, समाधि का क्षेत्र आप देखेंगे तो निमाड़, जो पंच सखा के अच्युतानंद महापुरुषों की दिव्य पीठ है, आप उड़ीसा आएंगे तो उस पीठ के बारे में आप जरूर पद्मबंध आप उसको जरूर जानेंगे। वही पीठ पर महापुरुष समाधि लेते वक्त अपने भक्त रामदास को बहुत सारे ज्ञान दिए थे, आगामी भविष्यत में क्या होने वाला है, तो लोग उसके बारे में भी जानना चाहते हैं। महापुरुष अच्युतानंद ज्ञान दिए थे, तो श्रेष्ठ भक्त थे भक्त रामदास जी। उस रामदास को अपने शरण में लेते थे अच्युतानंद, क्योंकि गुरु के बिना जग में कोई भी मुक्ति का द्वार नहीं। तो रामदास ने पूछे थे, प्रभु इस संसार में उद्धार होने के जितने सारे रास्ते हैं, सरल मार्ग कौन सी रास्ता है, रामदास ने पूछे थे। तो हम आपको सभी को बताएंगे, हमारे दर्शकों को बताएंगे जो भटक रहे, सरल मार्ग क्या है इस संसार से मुक्ति पाने में, क्या लिखा है मालिका में, क्या लिखा है। तो मालिका में एक अच्युतानंद महापुरुष जो ग्रंथ में लिखा है उसका नाम है जाई फूलो मालिका जी। वो ग्रंथ का नाम है जाई फूलो मालिका, वो उड़िया भाषा में लिखा गया है और उसका हिंदी और इंग्लिश में कोई ट्रांसलेशन अभी तक उपलब्ध नहीं है। हमारा कोशिश जारी है, आपका सहयोग हमें निरंतर रूप से मिलता रहा, तो हम उसको हिंदी या फिर इंग्लिश में ट्रांसलेशन वर्जन भी आपके पास उपलब्ध कराएंगे। तो आइए सुनते हैं बाबा जी से। निश्चित स्वरूप से हम उड़िया के पद आपको सुनाएंगे और उसके बारे में क्या है उड़िया के पद में लिखा है महापुरुष के मुक्ति का मार्ग क्या है। तो क्या लिखा है अच्युतानंद महापुरुष, प्रभु बिना नहीं अन्य, प्रभु बिना नहीं अन्य, जुग अनुसारे लीला तो फिर न लो जाई पुल, मर्त्य होई पुणी अवतीर्ण, मर्त्य होई पुणी अवतीर्ण। तो महापुरुष लिखे हैं प्रभु के बिना जीवन में कोई गति ही नहीं, तो सरल मार्ग क्या है, मनन करना, उसको ध्यान में सभी दिन हाथों में चल रहा है काम और मुख में राम, ये बात को मत भूलिए। काम से जुड़िए राम को, नाम को जुड़िए। तो वो अगले पद में लिखा है, तो किससे नाम आप करेंगे, इसमें लिखा है जाई फूलो मालिका में लिखा है महापुरुष अच्युतानंद ने लिखा है,
गुरु नाम कर सार, गुरु नाम कर सार, तेबे भव सिंधु होइबु पार लो जाई फूल। यही सत्य वचन मोहर, यही सत्य वचन मोहर। तो पहले पद में लिखा है प्रभु बिना इस संसार में कुछ भी नहीं, तो भरोसा रखिए। वो प्रभु की बारे में कौन बताएंगे आपको? गुरु बताएंगे। तो गुरु के नाम भी आपके मुख में लेना चाहिए, गुरु की शरण में जाना चाहिए आपको, तो वही सतमार्ग आपको बताएंगे। ये महापुरुष माणिका में लिखा है। तो पहले कहेंगे जो आगे हैं, जो लिखा है महापुरुष, वो एक ही बात है कि आप पहले से ही गुरु की शरण में चले आए, क्योंकि अगली जो जन्म है आपका, जो आप जन्म लेंगे वही जन्म में आपको भटकना नहीं पड़ेगा। आपका कर्म अनुसार की जन्म होते हैं आपका, तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा। गुरु के शरण में आने से मुक्ति मुक्ति महापुरुष ने कहा है। तो लिखा है जब भी प्रहलाद को अपने पिता हिरण्यकश्यप कष्ट दे रहा था, तो प्रहलाद रोते रोते हुए प्रभु के कहा, प्रभु क्या आप दुनिया में आप नहीं है? तो नहीं, मेरे सहायता करने के लिए क्यों नहीं आते? लोग क्या समझेंगे? तो भगवान प्रकट हुई तो प्रहलाद को कहा, प्रहलाद तुम डरते हो, अरे मैं हूं तुम्हारे साथ। प्रहलाद ने कहा, प्रभु मैं डरते नहीं मरने के लिए, डरते हो तेरे बदनाम के लिए। दुनिया वाले कहेंगे इतना गुरु के शरण में गए थे, इतना प्रभु के नाम भजन किए थे, क्या हुआ पिता ने कुचल कर मार दी? तो आपकी निंदा होगी प्रभु, तो इसलिए मैं रो रहा हूं कि आप हे दुनिया को बता दीजिए। तो विराट एक जो आपकी जो पहाड़ के ऊपर ले गए प्रहलाद को और डाल दी, पहाड़ से नीचे फेंक दी। तो नीचे थे भगवान, उसको पकड़ ली। प्रहलाद रोने लगी, आराम से पड़ी लेकिन रोने लगी प्रहलाद। तो भगवान ने कही, प्रहलाद रोते हो क्यों? चोट लगी है क्या प्रहलाद? प्रहलाद ने कहा, हाँ लगी है ना, इतने तुझे आसान से पकड़ा, इतने फिर भी बोल रहे हैं कि चोट लगा है। हाँ फिर भी बोल रहे हैं चोट लगी रही, क्यों तुम्हें इतना दर्द लगा? तू तो मेरे बाहों में हो, तो दर्द क्यों? प्रहलाद कहा, प्रभु रोते हैं इसलिए, प्रभु आप तो पकड़ने के लिए हाथ फैला रहे थे, हम पढ़ने के लिए कितना डर रहे हैं। आप तो पहले से ही है भक्त को रक्षा करने के लिए, हम कितना ही डर लगते हैं। चोट लगी है दिल पर प्रभु, मेरे दिल को बहुत कष्ट हो रहा है, क्योंकि आप पकड़ने के लिए पहले से ही थे और मैं पढ़ने के लिए डर रहा था। और सभी भक्तों को यही याद आपको याद करना चाहिए, यही याद रखना चाहिए, वो है जो ये संसार में जीव को जन्म देने से पहले माता के स्तन में जो खीर संचार करते हैं, वही प्रभु के ऊपर भरोसा रखना चाहिए सभी भक्त। तो महापुरुष ने कहा, तो अगली जो कलियुग आने वाला है, जो जीव जगत ये कलियुग में भ्रष्टाचारी हो गए, क्या होगा? मालिका में क्या लिखा है? अपने पिता माता को कष्ट देंगे, हे रामदास अपने पिता माता को वो कष्ट देंगे। जब तृतीया युग चल रहा था, राम सीता से भी यही कह रहे थे, सीता जी ने पूछा था क्या क्या होगा कलियुग में, क्या होगा? तो प्रभु राम जी ने कहे, सिया से ऐसा कलियुग आएगा, बात बात पर माता पिता को बेटा आंख दिखाएगा। ऐसा कलियुग आने वाला है, बात बात पर माता पिता को बेटा आंख दिखाएगा। तो महापुरुष अच्युतानंद 600 साल से पहले वही बात को लिखा था। ओड़िया का पद है तो इसलिए हमको आपको सुना रहे हम। क्या लिखा था? कहले, पिता माता को पुत्र न पोषिब भिन्न भिन्न करी घर, लक्ष्य अरजिले पक्षे न अंटिब सत्य वचन मोहर। महापुरुष बोल रहे हैं शिष्य रामदास को, जो कलियुग के लोग हैं अपने पिता माता को कष्ट देंगे, बार बार कष्ट देंगे, और उसका हालत क्या होगा वो भी बताए मालिका में। क्या होगा जो पिता माता को कष्ट देते? जितना कमाई करेंगे, जितना आप रोजगार करेंगे, उतना आप पैसा रख नहीं पाएंगे।
आपके जीवन में शांति चले जाएंगे आपके जीवन में हर वक्त परेशानी आपको इतना पीछा नहीं छोड़ेगा इतना उलझन में परेशानी आपको डाल देगा, जो पिता माता की आशीर्वाद से आपके सभी उलझन मिट जाता है, वही आपके जीवन में जो आशीर्वाद से मिल जाता है वही आपको जीवन में छोड़ के चले जाएंगे। सभी लोग आपको बुरे सोचेंगे, बाजार में जाते होंगे आप देखे होंगे ये लोग बाजार में सब अपने अपने चीज खरीदने लगते हैं, और मेला में भी आप जाते हैं अपने अपने चीज खरीदने जाते हैं। तो मेला जीवन एक मेला है, और मेला में जो बातचीत ना जाने मेला भी झमेला हो सकता है, तो मेला में भी बातचीत जानना चाहते हैं किससे हम रहेंगे। हम तो घर बड़ा कर दी लेकिन परिवार छोटा हो गया, और फैमिली का अर्थ हम समझते हैं क्या, ये समझते हैं परिवार में और मेरे पत्नी और मेरे बेटा बेटी, बस यही ही परिवार हो गए, नाना नानी दादा दादी चले गए सब, हमारे जीवन से क्या हो गए, कहाँ से कहाँ हम चले आए, हम रोड तक चले आए, रोड के साइड में हम खरीद लेते हैं जमीन, और बाहर के जो कृषि के क्षेत्र है वही हम छोड़ देते हैं। हम सभी सड़क में चले आए, टाउन में रहना पसंद करते हैं, जो जिस तरह आज लोग जो शहर में रह रहे हैं वो शहर का हालत आप देखिए क्या हो गया, तो उसको महापुरुष 6 साल से पहले लिखे थे, सब लोग शहर के अभिमुख चले जाएंगे, लोग गांव में रहना पसंद नहीं करेंगे, खेती करना छोड़ देंगे 6 साल पहले महापुरुष लिखे, तो वही बात सच हो गए और लिखा था। और ये जो क्लाइमेट है वायुमंडल वो भी प्रदूषित हो जाएंगे, महापुरुष लिखे क्लाइमेट चेंज, उस ग्रंथ का नाम हम बताएंगे शिवकल्प निर्घंट मालिका, उसमें बताए हैं कि ये क्लाइमेट सभी चेंज हो गए, लोग क्या करें पेड़ कटने लगे अपने सुविधा के लिए, लोग बड़ा बड़ा क्या अपने के लिए जो फर्नीचर आइटम बना रहे हैं ना उसलिए अपनी सुविधा के लिए लोग पेड़ काट रहे हैं, पेड़ लगाइए। और जो लोग एक ही पेड़ लगाते हैं आपको मैं कह रहा हूँ वो वेंटिलेटर में कभी नहीं जाएंगे, पेड़ लगाइए। दिल्ली का हालत क्या देखे आप, कैसे हो गया, ये मालिका में भी लिखा था, आपको कहेंगे भाई पद को आपको उड़िया के सुना के हम ट्रांसलेट करेंगे, सुनाएंगे आपको, हमारे जो भक्त जुड़ी रहिए और इस वीडियो का आप वही भक्त तक पहुंचाइए। आपको निवेदन है जो उड़ीसा में आप आए जगन्नाथ क्षेत्र में आइए और जगन्नाथ को देखिए, जो जगन्नाथ महाप्रभु उसी क्षेत्र में रहते वही उसी की कृपा के कृपा को लाभ करके अच्युतानंद महापुरुष मालिका लिखे, पंच सखा मालिका लिखे, वो आगत भविष्य लिखे क्या होने वाला है। और हमारे भारत देश में इसे महापुरुष हैं, हम बाहर के सुने हैं 2012 क्या होगा 12 में सब सृष्टि ध्वंस हो जाएगा, क्या हुआ कुछ नहीं हुआ, क्योंकि महापुरुष ने नहीं लिखा था, अच्युतानंद महापुरुष ने नहीं लिखा, जसवंत दास ने नहीं लिखा, नहीं होगा, पंच सखाओं ने बिल्कुल नहीं लिखे थे 2012 के बारे में। और सारा देश में हम देखते हैं अभी तो जो न्यूज वाले हैं वही डराते हैं हमको, न्यूज वाले चले आते हैं डराते हैं अभी ध्वंस हो जाएगा पृथ्वी, हम आपके बारे में बताएंगे मालिका में क्या लिखा है, हमसे जुड़ी रहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और इस वीडियो को आप भेजिए उस भक्त के निकट भेजिए जो मालिका में समझ में जाने चाहते हैं क्या लिखा है हमारे मालिका में, 1 से 100 तक आप गिनेंगे और उसे 10-12 मालिका अब 1 से 100 तक आपको आप गिनना शुरू करेंगे, हमको 10 मालिका आपको वही समय में आपको बता देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्या लिखा है मालिका जी, बिल्कुल बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, तारीफ किया जाए बहुत कम। आप अभी सुन रहे थे बाबा दिवाकर दास महाराज को, जो मालिका रिसर्चर हैं और जगन्नाथ कथा संस्कृति के बहुत बड़े प्रसारक हैं। तो बाबा जी का ही मानना है आगे चल के हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, इस वीडियो को आप आगे भी पहुंचाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी इस चैनल में हम लाने वाले हैं बिल्कुल मालिका के ऑथेंटिक डाटा। आजकल यूट्यूब में बहुत सारे लोग जो मालिका के बारे में वीडियोस बनाते हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं हो सकते हैं, उसके पीछे उनका क्या मतलब है हमें तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ आपको मिलेगा बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा। आगे चल के हम आपको बताएंगे मालिका में लिखा गया है 254 भक्तों के बारे में, उन भक्तों के सन्मुख हम जाएंगे और उन भक्तों को आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे।
खाली इतना ही नहीं, मालिका में लिखा गया है भविष्य के बारे में, भविष्य के बारे में जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी दस्तावेज हैं, जितने भी पोथियां हैं, वो सब भी हम आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। खाली इतना ही नहीं, मालिका में लिखा गया है चार धाम के बारे में, चार धाम से मिलने वाले हैं हमें संकेत, कलयुग के अंतिम कालखंड में हमें जो कुछ संकेत मिलेगा, मालिका में क्या लिखे हैं संत अच्युतानंद दास जी ने, वो सब भी हम आपको इसी चैनल में और आने वाले वीडियो में बताएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। कैसा लगा आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में अपना मत दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय जगन्नाथ, जय पंचसखा।